मैं न्यास तायर एडवोकेट मरकजी सीरत कमेटी का नायब सदर उपाध्यक्ष 15 साल से लगातार हूँ और हमीदगाह कमेटी में भी हम लोग दामे घर में कदम अपने सप्ताह में रहता है। कोविड-19 को देखते हुए आपकी बार क्या तब्दीली की गई है प्रोग्राम में? कोविड-19 को देखते हुए हम लोगों ने सारे प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। 98 साल से लगातार 12 रबीउल को शाहिदगाह से जुलूस उठता था और अटाला मस्जिद में जाकर ख़त्म होता था। बड़ी दहरीना तारीख है इसकी और तमाम उलमाओं ने, उलमा हजरात ने इसकी जो है क़यादत किया। तमाम मजहब मिल्लत के लोग इसमें शिरकत करते थे देश। और जब ये जुलूस जौनपुर में कायम हुआ तो जौनपुर के क्या इर्द गिर्द बहुत दूर तक भी इसका कहीं वजूद नहीं था। सबसे पहले जौनपुर में जुलूस कायम हुआ। 98 साल हुआ लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए हम लोगों ने जुलूस का प्रोग्राम को मुंतवी कर दिया गया कि हम लोग जुलूस को नहीं उठाएंगे। सिर्फ चूँकि कौमी एकजहती हमारा पैगाम, हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकजहती का कि एक दर्श दिया है कि हम ही लोग हैं जो कौम हर मजहब मिल्लत को लेकर चलने वाले लोग हैं। आपकी ये तालीम है, इसलिए प्रोग्राम हम लोगों ने शाहिदगाह में मुनक़िद किया, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, तमाम शासन और प्रशासन की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा। अंजुमन जो एक मुद्दतों से इसमें शामिल होती रही हमेशा से, और जब चांद होता था तब से लेकर 12 दिन तक सारी अंजुमन के लोग, उसके तमाम जस्ते के लोग इसका मश्क करते थे। 12 दिन मश्की होती थी, मरकजी सेहत कमेटी के लोग उसमें जाते थे और उनके मश्की को देखते थे। लेकिन इस बार वो भी प्रोग्राम मुंतवी कर दिया गया। अंजुमन लोगों ने मश्की नहीं किया, अंजुमन इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर रही है, अखाड़े के तमाम अराकीन इस प्रोग्राम में नहीं शिरकत कर रहे हैं। सिर्फ कौमी एकजहती का प्रोग्राम हम लोगों ने शाहिदगाह में मुनक़िद किया, वो भी तमाम शासन और प्रशासन की गाइडलाइन को देखते हुए, उसके मद्देनज़र रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये प्रोग्राम हम लोग करेंगे। और एक प्रोग्राम अटाले में हम लोगों का होगा और सारे प्रोग्राम इस साल मुनक़िद कर दिया गया। लोग अपने घरों में मिलाद शरीफ कर रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं, हुज़ूर की आमद की खुशी लोग अपने घरों मना रहे हैं, मिलाद करके, नजर फातिहा करके और अपने घर को सजा के, मसाजिद को सजा के, मस्जिदों में मिलाद हो रहा है, अपने घरों में हो रहा है। लेकिन सड़कों पर, सार्वजनिक स्थान पे, सरकारी इमारतों में हम लोग कोई प्रोग्राम इस बार नहीं कर रहे हैं, चूँकि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि हुक्मानो खुदा का, उसके रसूल का और बादशाह वक्त का। तो हुकूमत का जो हमारा हुक्म है, हम उसके ताबे हैं, हम अपने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को नहीं करते, हम उसी पर अमल करने वाले लोग हैं और हम उसी पर अमल कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सारे प्रोग्राम को मुंतवी कर दिया।